हेलो गाइस, यहां पर हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले पहले T20 मैच के बारे में। दोस्तों, इस मैच के लिए जो बेस टीम रहने वाली है वो है जे, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ध्यान से देख सकते हो। और यहां पर जो कॉमन कैप्टन रहने वाला है मिलेगा आपको स्मॉल लीग में आपके ओपोनेंट के पास, आपके विरोधी के पास, चाहे आप हेड टू हेड खेलो, थ्री मेंबर खेलो, फोर मेंबर खेलो, जहाँ उससे बड़ी स्मॉल लीग खेलो। तो ये जो आठ प्लेयर मैं आपको बता रहा हूँ, सात प्लेयर, ये आपको हर किसी के पास मिलेंगे। और जो कैप्टन वाइस कैप्टन जहां पर बता रहा हूं, तो ये भी आपको हर किसी के पास मिलेंगे। अब यहां पर हमें ये जानना है कि स्टैट्स के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा प्लेयर ऐसा है जो आज परफॉर्म नहीं करने वाला है, जिसको हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं और उसकी जगह पर हम अपना डिफरेंशियल प्लेयर ला सकते हैं। और उसके साथ में बात करेंगे कि जो बाकी बचे हुए चार खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, और ग्रैंड लीग टिप्स के बारे में, ग्रैंड लीग के बारे में बात करेंगे कि कौन से टॉप ग्रैंड लीग पिक्स हैं इस मैच के लिए, जिनको आप ट्राई करके ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक ला सकते हो और ग्रैंड लीग जीत सकते हो। दोस्तों, अगर बात करते हैं मैच डिटेल्स की, तो ये मैच है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला पहला T20 इंटरनेशनल मैच, 5 मैचों की T20 श्रृंखला है। और ये मैच खेला जाने वाला है डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रॉस आइलैंड, सेंट लुसिया में। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 5 बजे ये मैच 10 जुलाई को शुरू हो जाएगा। लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो फैन कोड ऐप के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, पिच के बारे में बात करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच का। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो, पहली बार चैनल के ऊपर आए हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसको ऑल जरूर कर देना, तभी आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। दोस्तों, अगर बात करते हैं पिच के बारे में, तो इस ग्राउंड के ऊपर इससे पहले 13 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 मैच जीती है, पहले बॉलिंग करने वाली टीम 8 मुकाबले जीती है। तो इसका मतलब साफ है कि इस ग्राउंड के ऊपर जो टीम चेस करती है उस टीम के जीतने के चांस रहते हैं ज़्यादा, और जो टीम करती है पहले बैटिंग उस टीम के जीतने के चांस रहते हैं कम। वहीं दोस्तों, अगर बात करते हैं पेस बनाम स्पिन आंकड़ों के बारे में, पहली पारी में कुल मिलाकर जो अभी तक T20 इंटरनेशनल मैचों में इस ग्राउंड के ऊपर जो विकटें गई है वो है 79, दूसरी पारी में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विकटें गई है 71। तो पहली पारी में विकटें ज़्यादा गिरती है, दूसरी पारी में कम गिरती है, इसीलिए यहाँ पर चेस ज़्यादा होता है। अब अगर बात करें यहाँ पर, तो स्पिनर गेंदबाजों का अगर आप स्ट्राइक रेट दोनों पारियों में देखते हो तो उतना कुछ खास है नहीं, पहली पारी में थोड़ा सा बेहतर है, 24.5 का स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब होता है वैसे तो। अगर आपको स्पिनर गेंदबाज लेने हैं तो पहली पारी में कोई अच्छा स्पिनर गेंदबाज अगर है तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर तेज गेंदबाजों की, तो पहली पारी में तेज गेंदबाज आपको चाहिए और दूसरी पारी में तेज गेंदबाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाता है दूसरी पारी में तेज गेंदबाजों का। तेज गेंदबाज दोनों पारियों में चाहिए, पहली पारी में स्पिनर गेंदबाज अच्छा स्पिनर गेंदबाज है तो उसको ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा स्पिनर गेंदबाज यहाँ पर ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर अगर बात करते हैं एवरेज स्कोर के बारे में, 147 रन सबसे बड़ा स्कोर, पहली पारी का एवरेज स्कोर 147 रन, दूसरी पारी का एवरेज स्कोर 150 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना 189, सबसे कम स्कोर बना 98। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 140 से लेकर 150 के बीच यहाँ पर 5 बार बना है सबसे ज़्यादा स्कोर, यही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मौसम की बात करते हैं तो मैच के दिन मौसम रहेगा 29 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक क्लाउडी रहेगा और 40% बारिश होने की शंका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले पता चलता है जो मैच हम लोग कवर करते हैं, स्पेशली इस मैच का सबसे पहले आपको पता चलेगा किस टीम ने टॉस जीता है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, और अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टैट्स हमारे हाथ लगते हैं इस मैच के तो वो भी हम लोग आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करेंगे, और जो हमारी टीम रहेगी फाइनल टीम रहेगी स्मॉल लीग के लिए वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, और आने वाली वीडियोस की भी अपडेट्स आपको वहाँ पे ही मिलती रहती है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करो, टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन अभी कर लो, वापस आ जाओ ज्वाइन करके, तो वीडियो में आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम की प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर और प्लेयर्स रोल्स की, तो वेस्ट इंडीज टीम की जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर कुछ नज़र आने वाला है ना, ऐसे नज़र आएगा।
यहाँ पर जेसन होल्डर जो पांचवा T20 मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो नहीं खेले थे, लेकिन अभी उनकी वापसी हो चुकी है, वो खेलेंगे यहाँ पे और बाकी खिलाड़ी वही नजर आएंगे। रोल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए RHB राइट हैंड बैट्समैन, RAM राइट आर्म मीडियम गेंदबाज, LHB लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ROS राइट आर्म ऑफ-स्पिनर गेंदबाज, WK विकेट कीपर, RAF राइट आर्म फास्ट गेंदबाज और LAM लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज। और एक और बात यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, जिनके आगे केबल बैट लिखा हुआ है वो केबल बैटिंग करते हैं, जिनके आगे ऑल लिखा हुआ है वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, और जिनके आगे केबल बॉल लिखा हुआ है वो केबल बॉलिंग करते हैं। बेंच के ऊपर इस टीम के जो खिलाड़ी रहेंगे उनके भी रोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो भी अगर आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो, इनकेस अगर इसमें से कोई खिलाड़ी खेल जाता है तो। वहीं अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर और प्लेयर्स रोल्स की, तो यहाँ पर बड़े दो नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। और यहाँ पर एरन फिंच हैं, कैप्टनसी करेंगे, और उसके अलावा जॉश फिल्पी है, और यहाँ पर गेंदबाजी में अगर आप नज़र डालोगे तो मिचेल स्टार्क है, एडम जैम्पा है, तो ये मिक्सर है यंग और एक्सपीरियंस का। यहाँ पर प्लेयर्स रोल्स की बात क्या ही करनी, कॉमन ही है, ऊपर मैंने जो समझा दिया यहाँ पे भी आप समझ जाओगे। LSS एक नया है जो ऊपर नहीं आया था, LSS का मतलब होता है लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर गेंदबाज, LAF लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज, लेग स्पिनर का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी जिनके आगे केबल बैट लिखा हुआ है वो केबल बैटिंग करते हैं, जिनके आगे बॉल लिखा हुआ है वो केबल बॉलिंग करते हैं, जिनके आगे ऑल लिखा हुआ है वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। और बेंच के ऊपर इस टीम के जो खिलाड़ी रहेंगे उनकी लिस्ट काफ़ी यहाँ पर लंबी आपको नजर आएगी, क्योंकि ये टूरिंग टीम है। अभी अगर बात करते हैं यहाँ पर वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ियों के T20 करियर और रीसेंट फॉर्म की, तो रीसेंट फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो T20 करियर आपको इसलिए दिखाते हैं कि T20 करियर से आपको आइडिया लग जाता है कि ये प्लेयर कैसा है, चाहे उसका रीसेंट फॉर्म अच्छा है या नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाएगा ना कि ये प्लेयर कैसा है तो आपको ग्रैंड लीग में उस प्लेयर के ऊपर चांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए T20 करियर भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर ODI मैच होता है तो ODI करियर भी हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे 26 का एवरेज है, ठीक ठाक एवरेज है, रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे बहुत ठीक ही है। इवन लुइस की बात करते हैं तो इवन लुइस का रीसेंट फॉर्म अच्छा है, और करियर अगर एवरेज इनका देखोगे बहुत अच्छा है, 200 लगा चुके हैं और 850 लगा चुके हैं, तो ये ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, ग्रैंड लीग पिक रहेंगे ये, और इसको आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, ये हमारी रहेगी फर्स्ट ग्रैंड लीग पिक। क्रिस गेल की बात करते हैं, 30 का एवरेज है, 213 50, और रीसेंट फॉर्म बहुत ख़राब है विद दी बॉल, एक मैच में एक विकेट लिया था। शिमरॉन हेटमेयर की अगर बात करें तो इनका भी रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। कैरन प्लाट की अगर बात करते हैं तो इनका रीसेंट फॉर्म, ज़्यादा बैटिंग के मौके नहीं मिलते हैं लेकिन पिछली 4 पारी में 150 लगा चुके हैं, बॉलिंग के जरिए एक ही विकेट लिया है पिछले 3 मैचों में बॉलिंग की थी, तो ये भी उतने अच्छे प्लेयर नहीं नजर आ रहे हैं। एंड्रे रसल की अगर बात करते हैं, एंड्रे रसल का जो रीसेंट फॉर्म विद दी बैट अगर आप देखोगे, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन किए, कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, विद दी बॉल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 मैचों में 1-1 विकेट लिया है। निकोलस पूरन का अगर आप रीसेंट फॉर्म देखोगे तो इनका भी रीसेंट फॉर्म उतना बढ़िया नहीं है। ड्वीन ब्रेवो का रीसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आप देखोगे एक मैच को छोड़कर बाकी सारे मैचों में विकेटें ली है। विद दी बैट इनका कंट्रीब्यूशन अब नहीं रहता है, विद दी बॉल ही ये अच्छा करते हैं। अकील हसैन की बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखोगे उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर अगर बात करते हैं ड्वीन ब्रेवो के स्ट्राइक रेट के बारे में, तो स्ट्राइक रेट इनका उतना अच्छा नहीं है, सॉरी ये है स्ट्राइक रेट, हाँ बॉलिंग स्ट्राइक रेट आप देखोगे तो इनका ठीक ठाक है, तो ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई जरूर कर सकते हो, लेकिन CBC के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं हैं ग्रैंड लीग में। अकील हसैन की अगर बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है। अबेड मैकोए की बात करते हैं, ये भी एक अच्छी ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं, तेज गेंदबाजों को ही यहाँ पे हेल्प है, तो अगर गेंदबाजों में से किसी गेंदबाज को कैप्टन या वाइस कैप्टन कर रहे हो तो मेक श्योर वो तेज गेंदबाज होना चाहिए, क्योंकि इस विकेट के ऊपर तेज गेंदबाजों को हेल्प है। इनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, इनको आप CBC ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। फिडल एडवर्ड की अगर बात करते हैं तो फिडल एडवर्ड का रीसेंट फॉर्म उतना बढ़िया नहीं है, और करियर स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखोगे तो उतना बढ़िया नहीं है, 24 T20 मैचों में 19 विकेटें हैं। फैबियन एलन की बात करते हैं, 23 मैचों में 16 विकेटें हैं, रीसेंट फॉर्म उतना बढ़िया नहीं है, एक मैच में 2 विकेटें ली थी। ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे प्लेयर होते हैं जो जिनके आंकड़े अच्छे नहीं होते हैं लेकिन एक आध मैच में अच्छा करते हैं, तो हो सकता है कि वो आज वाला मैच हो जाए, तो उस प्लेयर की जगह पर आप इसको ट्राई कर सकते हो, कि जो आपके 2 1 या 2 प्लेयर ऐसे रहेंगे ना
जिन्होंने जिनके आंकड़े अच्छे नहीं है लेकिन वो कभी भी अच्छा कर सकते हैं। हैडन वॉल्श जीआर की बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखोगे उतना अच्छा नहीं है और करियर स्ट्राइक रेट भी उतना अच्छा नहीं है। ओशियन थॉमस की बात करते हैं, करियर स्ट्राइक रेट बढ़िया है, रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो उतना बढ़िया नहीं है। जे बी अगेन ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं अगर खेलते हो। केवन की बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो उतना बढ़िया नहीं है और करियर स्ट्राइक रेट भी उतना बढ़िया नहीं है। शेल्डन कॉटरल की बात करते हैं, ये ग्रैंड लीग पिक है। अगेन देखिए यहाँ पर इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो एक मैच को छोड़कर बाकी सब जगह पर विकेटें ली है, प्लस इनका स्ट्राइक रेट बढ़िया है, 16.50 का स्ट्राइक रेट है, तो यहाँ पर एक से दो विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी है और आप इनको ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, इवन सीबीसी भी कर सकते हो। एंड्रे फ्लेशर की बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो उतना बढ़िया नहीं है इनका, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, मतलब छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ग्रैंड लीग में अगर आप ट्राई करोगे तो सिर्फ प्लेयर के तौर पर ट्राई करना, सीबीसी इसको मत करना, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ आपको पॉइंट्स दे सकते हैं लेकिन सीबीसी के कैंडिडेट नहीं है ग्रैंड लीग में। जेसन होल्डर की बात करते हैं, वेल जेसन होल्डर की अगर बात करते हैं, विद दी बॉल बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है और आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगेन सीबीसी मत करना। अगर इनका जहां पर नजर डालते हैं स्ट्राइक रेट के ऊपर तो स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है। एरोन फिंच की बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है और टी20 करियर में 38 का एवरेज है, तो जितने भी प्लेयर मैंने अभी तक दिखाया आपको वेस्टइंडीज के जो बैट्समैन थे उसमें से सबसे बेहतर अगर किसी का टी20 में एवरेज है वो है एरोन फिंच, तो एरोन फिंच को आप ट्राई कर सकते हो सीबीसी ग्रैंड लीग में, लेकिन अगेन इस पिच के ऊपर रन कम बनते हैं, विकेटें ज़्यादा गिरती है, अगर कोई बैट्समैन करेगा भी तो 50-60 रन करेगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा, 100 जहाँ पे नहीं लगा पाएगा, गेंदबाजों को करना सही रहेगा, गेंदबाज मतलब कि अगर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है तो ऑस्ट्रेलिया के किसी गेंदबाज को कैप्टन करके वाइस कैप्टन कर दो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को, जो चेस करते हुए अच्छा करे, 40-50 रन कर जाए। वेस अगार की बात करते हैं, तो वेस अगार का रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है और करियर स्ट्राइक रेट अगर देखोगे अच्छा है। वहीं अगर बात करते हैं एस्टन अगार की, तो एस्टन अगार का अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एस्टन अगार का यहाँ पर करियर स्ट्राइक रेट अच्छा है, रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो वो भी अच्छा है, दो मैचों को छोड़कर हर मैच में तकरीबन दो दो विकेटें लेते हैं, लेकिन अगेन इस विकेट के ऊपर स्पिनर गेंदबाजों को हेल्प नहीं है, लेकिन विद दी बैट भी ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जेसन बैरनड्रॉफ की बात करते हैं, 7 मैचों में 7 विकेट, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, जे वी ग्रैंड लीग पिक हैं, जे वी टॉप ग्रैंड लीग पिक हैं, इनको भी ग्रैंड लीग में ट्राई जरूर करना। ये देखो 3 विकेट 3 विकेट 0-2-0, लेकिन जे जो है ना जे, इसलिए जे ग्रैंड लीग में इनको ट्राई जरूर करना। एलेक्स गेरी की अगर बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे इनका ठीक ठाक है और टी20 में अभी तक स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं, नीचे खेलते हैं। डैनियल क्रिस्टन की अगर बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म इनका बढ़िया नहीं है और करियर स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखोगे उतना बढ़िया नहीं है, स्पेशली बॉलिंग में। जॉश हेजलवुड की बात करते हैं, करियर स्ट्राइक रेट बढ़िया नहीं है, रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है। मोजेस हेनरिकेस की बात करते हैं, तो मोजेस हेनरिकेस ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूट करके देंगे बैट के जरिए और इनका रीसेंट फॉर्म उतना बढ़िया नहीं है। मिचेल मार्श की अगर बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है और बॉलिंग के जरिए भी अच्छा किया है और करियर स्ट्राइक रेट बॉलिंग के जरिए अच्छा है, एवरेज अच्छा है इनका बैटिंग के जरिए, तो मिचेल मार्श को भी आप ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो और ग्रैंड लीग में भी। बैन मैकडरमॉट की बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म एक ही 50 आई है और टी20 में अभी तक इंटरनेशनल मैच जो टी20 खेले उसमें अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं। रेले मैड्रस की बात करते हैं, 3 मैचों में 4 विकेटें, स्ट्राइक रेट बढ़िया है और हर मैच में एक एक विकेट लेकर दे सकते हैं आपको, लेकिन ग्रैंड लीग में अगर आप सोच रहे हो कि ये प्लेयर आपको 2 से 3 विकेट लेकर देगा तो नहीं, वो गलत है। जॉर्ज फिल्पी की बात करते हैं, तो आते ही टी20 इंटरनेशनल मैचों में इन्होंने अच्छा करना शुरू किया है, 5 मैचों में 105 रन, 45 सर्वाधिक स्कोर है, 21 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है, तो ये कहीं ना कहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को इन्होंने अपना लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इनको और रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया है, इनको आप ट्राई जरूर करना स्पेशली स्मॉल लीग में। मिचेल स्टार्क की बात करते हैं, तो मिचेल स्टार्क का जहां पर बढ़िया है स्ट्राइक रेट और रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। मिचेल स्वेप्सन की बात करते हैं, तो मिचेल स्वेप्सन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रीसेंट फॉर्म अच्छा है, पिछले एक मैच को छोड़कर हर मैच में विकेट ली है और टी20 इंटरनेशनल मैचों में अच्छा है इनका रिकॉर्ड, इनको आप ट्राई कर सकते हो। लेग स्पिनर है, वेस्टइंडीज टीम के प्लेयर जो लेग स्पिनर के आगे स्ट्रगल करते हैं, अगर वेस्टइंडीज वेस्टइंडीज पहले बैटिंग कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रहा है, मिचेल स्वेप्सन खेल रहे हैं, तो इनको आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे प्लेयर है।
और एस्टन टर्नर की अगर बात करते हैं, एस्टन टर्नर का रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, टी20 करियर में भी अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया है। एंड्रू टाई की बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक बहुत बढ़िया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ग्रैंड लीग पिक है। देखिए 15 का स्ट्राइक रेट है और 39 विकटें ले चुके हैं, 4 विकटें 23 रन देकर। तो ये एक ऐसा प्लेयर है, यहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लगेगा, इसको आप सीबीसी कर सकते हो ग्रैंड लीग में। क्योंकि अगर ये प्लेयर पहले, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता है, क्योंकि पहली पारी में विकटें ज़्यादा गिरती है और तेज गेंदबाजों को हेल्प ज़्यादा है, ये तेज गेंदबाज है और ये इस गेंदबाज के पास प्रोबेबिलिटी है, अगर ये 1 से 2 विकेट शुरू शुरू में ले जाता है तो उसको 3 से 4 कर सकता है, और 3 से 4 अगर करेगा तो तभी आपका काम होगा ग्रैंड लीग में। तो ये एंड्रू ट्राई को जरूर ट्राई करना आप। मैथ्यू वेड की बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है स्मॉल लीग में, ट्राई जरूर करना, इग्नोर मत करना। एडम जैम्पा की बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा है, अभी शादी करके आए हैं और करियर स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे वो भी ठीक ठाक है। अब बात करेंगे हम लोग प्लेयर्स बैटल्स के बारे में, कौन किसको आउट करता है। लैंडल सिमंस की बात करते हैं, तो स्ट्रगल है इनका राइट आर्म पेस के आगे, शुरू शुरू में आउट होने की इनकी चांस रहते हैं, स्पेशली सेकेंड इनिंग में। मोजेस हेनरिकेस आउट कर चुके हैं इनको, डैनी क्रिस्टन आउट कर चुके हैं, जेसन बैरन ड्रॉप भी आउट कर चुके हैं, और उसके अलावा अगर बात करते हैं इवन लोइस की, लेफ्ट आर्म पेस के आगे स्ट्रगल है और 7 ही रन बनाए हैं, 4 पर आउट हुए हैं और हमेशा दूसरी पारी में आउट हुए हैं। तो दूसरी पारी में इनके दोनों ओपनर फ्लॉप होने के चांस रहते हैं। वेस्ट इंडीज की अगर बात करते हैं, लैंडल सिमंस और इवन लोइस, एंड्रू टाई इनको आउट कर चुके हैं। क्रिस गेल की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म पेस के आगे ये भी स्ट्रगल करते हैं और 4 बार दूसरी पारी में आउट हुए हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट आर्म पेस, मिचेल स्टार्क बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ट्राई जरूर करना, स्मॉल लीग में मस्ट पिक है, ग्रैंड लीग में भी ट्राई जरूर करना। मोजेस हेनरिकेस आउट कर चुके हैं, स्टार्क अगेन देखिए 2 बार आउट कर चुके हैं इनको, 24 गेंदें 10 रन, स्ट्रगल करते हैं मिचेल स्टार्क के आगे। एंड्रू टाई 16 रन 15 गेंदें, जॉश हेजलवुड 6 रन, जोशवे हेजलवुड ने भी इनको आउट किया हुआ है, डैनियल क्रिस्टन ने आउट किया, जेसन बैरनड्रॉफ ने आउट किया, शिमरॉन हिटमैन राइट आर्म पेस के आगे स्ट्रगल करते हैं और पहली पारी में स्पेशली करते हैं, 79 रन 8 बार आउट हुए हैं जिसमें से 5 बार पहली पारी में आउट हुए हैं। निकोलस पूरन की अगर बात करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे स्ट्रगल है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे, बहुत कम बैट्समैन है वर्ल्ड में जो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन निकोलस पूरन है वो करते हैं, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा करते हैं। एडम जैम्पा आउट कर चुके हैं इनको, और ब्लाड की बात करते हैं, राइट आर्म स्पिन के आगे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर के आगे स्ट्रगल है, 210 रन 12 बार आउट हुए हैं जिसमें से 7 बार दूसरी पारी में आउट हुए हैं। दूसरी पारी में यहाँ पर वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयरों की अगर आप देखते हो तो काफ़ी वीकनेस नजर आती है। तो चेस करते हुए वैसे इस ग्राउंड के ऊपर टीमें अच्छा करती है, जीती है, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर अगर आप देखते हो तो दूसरी पारी में ज़्यादा इनका मतलब कि प्रॉब्लम आती है। जो लास्ट टी20 इन्होंने खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ पे छोटा ही टारगेट था, चेस नहीं कर पाए, वहाँ पे भी आप देख लो कि दूसरी पारी में इनके प्लेयरों को प्रॉब्लम आती है। एंड्रू टाई की बात करते हैं, उन्होंने इनको आउट किया है, एडम जैम्पा ने किया है, मिचेल स्टार्क ने किया है, मोजेस हेनरिकेस ने किया हुआ है, और वहीं अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रसल के बारे में, तो रसल राइट आर्म पेस के आगे स्ट्रगल करते हैं, पहली पारी में ज़्यादा आउट होते हैं राइट आर्म पेस के आगे शुरू शुरू में। एंड्रे फ्लेचर और उसके अलावा अगर बात करते हैं, मिचेल स्टार्क आउट कर चुके हैं, एंड्रू टाई आउट कर चुके हैं, जेसन बैरनड्रॉफ भी आउट कर चुके हैं। एंड्रे फ्लेचर की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म पेस के आगे स्ट्रगल है भाई साहब का, और 7 बार दूसरी पारी में आउट हुए। अगेन यहाँ पे भी आप देखो, दूसरी पारी में बहुत सारे वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर आपको मिल रहे हैं जो स्ट्रगल करते हैं। वहीं अगर बात करते हैं, रेली मेडर्स आउट कर चुके हैं, वैसगार आउट कर चुके हैं, जोश हेजलवुड आउट कर चुके हैं, एडम जैम्पा, मिचेल स्टार्क, एरोन फिंच की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे स्ट्रगल है और पहली पारी में ये आउट हुए हैं 7 बार लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है वेस्ट इंडीज के पास, फैबियन एलर, और शुरू शुरू में ओवर उसने डाले भी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में, तो यहाँ पे भी अगर डालेंगे तो एरोन फिंच जो कि सबके कैप्टन होने वाले हैं, तो पहली बॉल पे हो सकता है निकल लिए। जेसन होल्डर आउट कर चुके हैं, पोलार्ड आउट कर चुके हैं, ओशेन थॉमस भी आउट कर चुके हैं, जॉश फिल्पी की बात करें तो लेफ्ट आर्म पेस के आगे स्ट्रगल है, और ड्वेन ब्रेबो आउट कर चुके हैं, और उसके अलावा अगर बात करते हैं मैथ्यू वेड की, तो मैथ्यू वेड का जहां पर स्ट्रगल है राइट आर्म पेस के आगे, 58 बार आउट हुए हैं, 34 बार पहली पारी में आउट हुए हैं। ड्वेन ब्रेबो आउट कर चुके हैं, होल्डर आउट कर चुके हैं, और पोलार्ड भी आउट कर चुके हैं। मोजेस हेनरिकेस की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे अगेन इनका स्ट्रगल है,
तो यहाँ पर फैबिन एलन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मिचेल स्टार्क और फैबिन एलन आपके पास स्मॉल लीग में होने चाहिए। तो यहाँ पर आउट कर चुके हैं लेफ्ट आर्म स्पिन क्रिस गेल आउट कर चुके हैं, कैरन प्लाट आउट कर चुके हैं, रसल आउट कर चुके हैं, ड्वेन ब्रेवो, फैबिन एलन अगेन देख लीजिए यहाँ पे नाम भी आ गया फैबिन एलन आउट कर चुके हैं। मिचेल मार्क की बात करते हैं लेफ्ट आर्म पेस के आगे स्ट्रगल है, 11 बार आउट हुए हैं जिसमें से 7 बार दूसरी पारी में आउट हुए हैं, ड्वेन ब्रेवो ने भी आउट किया हुआ है। एलेक्स केरी की बात करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे स्ट्रगल करते हैं, फैबिन एलन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे इस पिच से स्पिनर गेंदबाजों को नहीं हेल्प है लेकिन सामने वाले बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है लेफ्ट आर्म स्पिन से, तो यहाँ पर फैबिन एलन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रसल आउट कर चुके हैं इनको। एस्टन टर्नर की अगर बात करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेन ऑस्ट्रेलिया को लेफ्ट आर्म स्पिन से काफ़ी प्रॉब्लम है, बैन मैकडरमॉट अगेन देखिए लेफ्ट आर्म स्पिन यहाँ पे भी और दूसरी पारी में मोस्टली ये आउट हुए हैं, 4 बार आउट हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पर। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा जानकारी के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको ज्वाइन कर लेना है हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जस्ट उसके ऊपर पहुँचो ज्वाइन करो और वहाँ पर एक्टिव रहो क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है और अगर कोई स्टैट्स एडिशनल स्टैट्स होते हैं वो भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी हमारी टीम रहेगी वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो ज्वाइन कर लेना। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज बहुत सारा काम है तो बहुत तैयारी करनी है, इंग्लैंड पाकिस्तान का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो मिलते हैं फिर।